समझो आपको जोरों से भूख लगी है और आपके सामने स्वादिष्ट खाना रखा है, मस्त खुशबू भी आ रही है। आपने क्या किया, एक खाने का निवाला लिया और मुंह में डाल दिया। अरे पर ये क्या, खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है, पूरा फीका फीका। क्यों? क्योंकि इसमें नमक ही नहीं डाला है। एक चुटकी भर नमक की कीमत क्या होती है ये हम सभी जानते हैं। नमक काफी अहमियत रखता है हमारे खाने में, हमारे जीवन में। नमक खाने का जैसे स्वाद बनाता है वैसे बिगाड़ भी सकता है। नमक हमारे सेहत के साथ वही करता है जो स्वाद के साथ करता है। अगर नमक की मात्रा कम या ज्यादा हो गई तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और अलग अलग बीमारियां शरीर में पैदा होती है। उसी तरह सही मात्रा के साथ सही तरीके का नमक भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। सही तरीके का नमक, तो अभी आप मुझे पूछेंगे कि कौन से कंपनी का नमक। मैं यहाँ पे कोई कंपनी का नमक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ टाइप ऑफ सॉल्ट। आजकल जो हम यूज करते हैं, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, व्हाइट सॉल्ट कहते हैं, समुद्री नमक, आयोडीन युक्त नमक, उस बारे में। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको ये जो नमक आप यूज कर रहे हैं उसे छोड़ना होगा, और ये आजकल डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता हियर, वेलकम बैक टू स्मिताज कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नमक के बारे में। कैसे जो नमक हम यूज कर रहे हैं, रिफाइंड, फ्री फ्लो, आयोडीन युक्त नमक जो हम यूज कर रहे हैं, वो जहर बनकर हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां पैदा कर रहा है, एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे शरीर पे काम कर रहा है, और हमें इसे खाना तुरंत क्यों छोड़ना चाहिए। हम जो रोज खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सफेद नमक कहते हैं, व्हाइट सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं, तो ये जो नमक है उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते। जी हाँ, इट्स टोटली केमिकली रिफाइंड सॉल्ट। रिफाइंड करने के प्रोसेस में इसमें से जितने नेचुरल मिनरल्स है वो सब निकाले जाते हैं। ये रिफाइंड जो वर्ड है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। कोई भी चीज़ हो खाने की, उसमें रिफाइंड बोला तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रिफाइंड करने के प्रोसेस में क्या होता है, उसमें से जो नेचुरल सभी चीज़ें होती है वो निकाली जाती है और उसमें कुछ भी नहीं बचता। तो वैसे ही नमक को जब रिफाइंड किया जाता है तो वो रिफाइंड करने के प्रोसेस में उसमें से जो नेचुरल मिनरल्स है जो हमारे शरीर को लगते हैं वो सब निकाले जाते हैं, और नमक में बच जाता है खाली सोडियम और क्लोराइड। और इसके लिए नमक का साइंटिफिक नाम है सोडियम क्लोराइड। नो डाउट सोडियम की हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरत होती है, बहुत सारा काम हमारा शरीर में सोडियम के हेल्प के साथ होता है। पर सोडियम को और भी कुछ मिनरल्स लगते हैं काम करने के लिए, जो निकाले जाते हैं नमक से। आप नमक का टीवी में अगर कोई भी, अगर आप उसकी एड देखोगे तो तभी क्या कहा जाता है, आयोडीन युक्त, रिफाइंड और फ्री फ्लो नमक, ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है। पर अंदर से ये तीनों चीजें पूरी तरह से खोखला है। कैसे, वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखते हैं रिफाइंड। जैसे मैंने कहा, रिफाइंड यानी उसका जो डीक्रिस्टलाइज करने के लिए, यानी पाउडर के रूप में नमक को करने के लिए, उसको 650 डिग्री सेल्सियस तक हीट पर उसे बनाया जाता है। और इतनी हीट की वजह से क्या हो जाता है, नेचुरली उसमें से पूरे नेचुरल मिनरल्स मर जाते हैं। अभी बात करते हैं फ्री फ्लो, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो। अगर आप टीवी में एड देखेंगे तो उसमें दिखाया जाता है कि कैसे चम्मच से नमक मस्त फ्री फ्लो होके, यानी दाना दाना गिर रहा है, फ्री फ्लो यानी दाना दाना गिरने वाला। तो ये जो दिखा के आपको उल्लू बनाया जाता है, क्योंकि नमक दाना दाना गिर ही नहीं सकता। अगर वो दाना दाना गिर रहा है तो वो नमक ही नहीं है, क्योंकि नमक में नेचुरली एक नमी रहती है। अगर आप नमक को बाहर रखोगे हवा के संपर्क में एक 10 मिनट तक, तो आप देखेंगे उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है, अगर वो अच्छा नमक रहेगा तो। तो ये नमी नहीं आनी चाहिए नमक में, और ऐसा दाना दाना स्मूथ गिरना चाहिए। इसके लिए उसमें एंटी केकिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, जो बहुत ही खतरनाक रहते हैं हमारे शरीर के लिए,
और इस वजह से वो एंटी केकिंग एजेंट डालने के वजह से वो जो नमक है उसमें से नमी निकल जाती है और एकदम फ्री फ्लो यानी दाना दाना नमक गिरता है। तो हमें फ्री फ्लो नमक यूज़ करने की आदत सी हो गई है, हमें लगता है जितना अच्छा फ्री फ्लो जितना दाना दाना गिरता है उतना नमक और ही अच्छा, पर इसके पीछे का खतरा हम नहीं जानते, इसके पीछे का साइंस हम नहीं जानते। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो आजकल का नमक एकदम ब्राइट व्हाइट रहता है, एकदम व्हाइट रहता है। तो वो व्हाइट कैसे बनता है? वो व्हाइट बनाने के लिए उसको बहुत ज्यादा ब्लीच किया जाता है, उसके साथ साथ उसमें कई सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट डाला जाता है, अमोनिया डाला जाता है, उसके साथ साथ उसमें पोटेशियम लोडेड डाला जाता है जो बहुत सारे कंट्रीज में बैन है, मैंगनीज कार्बोनेट डाला जाता है, ये सभी आर्टिफिशियल होता है। और ये सब जो होते हैं ये सब टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत हानिकारक होते हैं। अभी हमने बात की रिफाइंड और फ्री फ्लो के बारे में, रिफाइंड नमक और फ्री फ्लो नमक, इसकी तो सच्चाई आपने समझ ली। अभी बात करते हैं आयोडीन युक्त नमक। आपने देखा रहेगा कि बहुत सारी नमक की कंपनियां आयोडीन युक्त नमक करके हमें बेचती है और हमें लगता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो हम और खुश हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आयोडीन एक्चुअली हमें हमारे भोजन से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। भारत में हम भोजन खाते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होता है। हरे पत्ते की सभी सब्जियां, सभी दालें, मसाले, अभी जो हम हल्दी भी यूज करते हैं तो हल्दी में आयोडीन होता है। जमीन के नीचे से जो भी कुछ उगता है उस सभी में आयोडीन रहता है। अभी हम बात करते हैं कि ये नमक जो हम व्हाइट सॉल्ट टेबल सॉल्ट जो हम खा रहे हैं उससे कैसी अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती है। जैसे मैंने आपको कहा था नमक का जो साइंटिफिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोराइड ये दोनों ही चीजें रहती है। सोडियम जैसे मैंने कहा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, पर सोडियम जो रहती है वो हमारी बॉडी जो रहती है हमारा शरीर एक बैलेंस्ड वे में एक्सेप्ट करता है। मतलब सोडियम के साथ हमारे शरीर को चाहिए रहता है थोड़ा सा पोटेशियम, कैल्शियम के साथ थोड़ा सा जरूरत रहती है मैग्नीशियम की। यहाँ क्या हो रहा है, हम जो नमक यूज करते हैं उसमें सोडियम तो हाई है पर उसके साथ साथ पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हो रहा है, एक इम्बैलेंस इसके वजह से हमारे शरीर में पैदा होता है और ये इम्बैलेंस की वजह से हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां पैदा होती हैं। पर हम जो नमक यूज कर रहे हैं उसमें खाली सोडियम है, तो जो सोडियम रहता है वो वाटर रिटेंशन करता है। जब ये शरीर में जाता है तो शरीर के पानी को भी ये एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें भी ये वाटर रिटेंशन करना चालू करता है, तो उस वजह से ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ता है और इसलिए हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की समस्या होती है। इसलिए जब हाई बीपी किसी को होता है तो डॉक्टर कम नमक खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके ब्लड वेसल्स पे जो पानी का या रक्त का दबाव है वो कम हो जाए। अभी आप कहेंगे हाई बीपी है ना, ठीक है हाई बीपी तो अभी प्रॉब्लम ही है, समस्या ये बीमारी एकदम आम सी हो गई है। आप देखेंगे भारत में 5 में से 1 लोगों को हाई बीपी की समस्या रहती है, यानी 8 करोड़ लोग भारत में हाई बीपी की बीमारी का शिकार बन चुके हैं। अभी आप कहेंगे ठीक है ना, उसमें क्या बड़ी बात है, मैं सुबह 1 गोली ले रहा हूँ शाम को 1 ले रहा हूँ, उससे मेरी बात बन रही है। पर अभी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा 10 साल बाद, क्योंकि ऐसे ही अगर आपको कंटिन्यूसली हाई बीपी रहेगा तो वो हार्ट ब्लॉकेज का रूप लेगा और उसके बाद फिर आपको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। स्टडी से ये साबित हो गया है कि जिनको हाई बीपी रहती है उनको कोई ना कोई हार्ट प्रॉब्लम होता है, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, ये सब होता ही है। डरिए मत, मैं आपको डराना नहीं चाहती, बट आप जो गोली ले रहे हैं वो खाली सरफेस का काम कर रही है, वो आपको अंदर से ठीक नहीं कर रही है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि ये जो बीमारियां हैं जैसे हाई बीपी हो गई वो अभी अभी अगर देखेंगे पिछले कुछ सालों से एकदम कॉमन हो गई है। अगर आप पिछले जनरेशन में थोड़े साल पहले देखोगे तो यहाँ तभी ये सब बीमारियां थी ही नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पहले के जनरेशन के जो लोग थे उनकी लाइफस्टाइल अलग थी, उनका भोजन अलग था, वो जो भोजन खाते थे प्योरली नेचुरल भोजन खाते थे, हमारे जैसा रिफाइंड ये सब तभी वर्ड था ही नहीं। आयुर्वेदा में हम जो नमक रेगुलरली यूज करते हैं जो सफेद नमक, इसे गीलापन
बढ़ाने वाला, कफ बढ़ाने वाला और डाइजेशन के लिए बहुत ही हैवी, ऐसा कहा गया है। जो हम नमक यूज करते हैं उसमें इतने सारे केमिकल्स रहते हैं, इतने सारे सब्सटेंसेस रहते हैं कि वो खाने के बाद हमारे बॉडी इतनी डैमेज हो जाती है कि हमारे जो सेल्स रहते हैं उसको रिकवर करने के लिए वो सेल्स को 23 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसमें जो एल्यूमिनियम के सब्सटेंस होते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए टॉक्सिक होते हैं। ये नमक हमारे जॉइंट्स के लिए भी बहुत डेंजरस है, ये हॉर्मोन्स को भी इम्बैलेंस करता है। तो इतना डेंजरस है ये सफ़ेद नमक, स्लो पॉइजनस वाइट सॉल्ट, जो धीरे धीरे आपके शरीर को डैमेज करते जा रहा है, आपके शरीर में नई नई बीमारियां धीरे धीरे पॉइजन की तरह क्रिएट कर रहा है। तो क्या करें, नमक खाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेचुरल अल्टरनेटिव्स टू सॉल्ट, जिससे आपको ना ही स्वास्थ्य पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े ना ही अपने स्वाद में। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। आई होप कि मेरा आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया रहेगा, उसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर वो आप बेल प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक stay safe, stay fit.